गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल की सभी लेयरों पर और वायुमंडल की जो जो परतें होती है इनका जो संगठन है ये इसमें किस किस वायु का कितना परसेंट है, इन सभी क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो वायुमंडल के क्वेश्चंस आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो सारे ही क्वेश्चन और सारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि जो वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं कंटिन्यू उन वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो वायुमंडल का लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट वायुमंडल का लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर मीन्स हिंदी में इसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल की जो बात की जाए तो ये हमारी पृथ्वी सतह से ध्रुव पर अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और अगर हम भूमध्य रेखा पर बात करें तो इसका डिस्टेंस पृथ्वी सतह से 15 किलोमीटर तक होता है। अगर ध्रुव पर इसका इस लेयर की बात करें तो ये 8 किलोमीटर तक इसका पूरा डिस्टेंस होता है। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसमें वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है और यहाँ पर ऊष्मा की प्रति घन इकाई घनत्व अधिक होता है। फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, केसों का अधिकतर भाग पाया जाता है और बादलों का बनना, बादलों का गरजना, बिजली गरजना, बिजली का गिरना, वर्षा होना, तूफान आना, इन सभी घटनाओं को जो मौसमी घटनाएं होती है वो इसी लेयर के अंतर्गत संपन्न होती है। नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वो है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। मीन्स सेकेंड हमारी जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इससे पहले हम आपको बता दें कि ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है ध्रुव में और भूमध्य रेखा में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। एक बात और कि 165 मीटर की हाइट के बाद हर मीटर में 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस लेयर में कम होता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व इस लेयर में सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर के बाद हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, मीन्स समतापमंडल जिसको हिंदी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और समतापमंडल में कौन कौन सी परिघटनाएँ सम्मिलित है उन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो समतापमंडल की हम बात करते हैं, 1.5 से 2.0 किलोमीटर तक की मोटी परत को ही हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मीन्स ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यहाँ से यहाँ तक 1.5 से 2 किलोमीटर तक की जो मोटी परत है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल की एक सबसे खास बात ये है कि इसमें ही कई ऐसी परिघटनाएं होती है। फ्रेंड्स इसमें प्रति घन वर्ग मीटर में वायु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसी कारण इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मीन्स कि इसमें तापमान समान बना रहता है और तापमान समान होने के कारण ही इस मंडल में किसी भी प्रकार के बादलों का बनना, बिजली गिरना, ऐसी कोई घटनाएं, तूफान आंधी इसमें नहीं होते। यही कारण है कि स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां वायुयानों को आसानी से रन किया जा सकता है। मीन्स यही एक पृथ्वी का वो क्षेत्र है वायुमंडल का जहाँ पर वायुयानों को आसानी से सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है या वायुयान के रनवे के लिए ये अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें हम तो ये ध्रुव पर अगर हम बात करें तो 20 से 50 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। और भूमध्य रेखा पर अगर बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर का क्षेत्र पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बाद हमारी थर्ड लेयर जो है वो है मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर जो लेयर है ये समताप मंडल के ठीक ऊपर की लेयर है और इसमें प्रति किलोमीटर पूर्ण तापमान
वापस गिरने लगता है। तो नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर की लेयर है। इस लेयर में प्रति किलोमीटर की दर से तापमान नीचे गिरने लगता है और वायु का वेग अत्यधिक हो जाता है मीजोस्फीयर में। एंड फ्रेंड्स, आगे मीजोस्फीयर के आगे जो हमारी नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर 30 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आयनोस्फीयर मीन्स इसमें धन आयन और ऋण आयन के कण पाए जाते हैं और इसी के कारण पृथ्वी पर दूर संचार संभव होता है, क्योंकि रेडियो तरंगे जैसे ही वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती है तो आयनोस्फीयर के धन आयन एवं ऋण आयन के कणों से टकराकर ये पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी पर दूर संचार एवं रेडियो संचार आसानी से रेडियो तरंगों को परावर्तित करके संभव हो पाता है। आयनोस्फीयर के बाद हम चलते हैं पृथ्वी की आखिरी लेयर और वो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 400 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष तक इसकी सीमा है और ये अनंत तक फैली हुई लेयर है जिसकी अंतिम सीमा का कोई भी मापन नहीं है। इसमें वायुमंडल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है एक्सोस्फीयर के अंत तक। अगर हम बात करें फ्रेंड्स वायुमंडल के संगठन की कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, तो हम सबसे पहले तो इनमें जो मुख्य गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख होती है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का जैसे ही नाम आता है तो इसमें हम ओजोन लेयर को कैसे भूल सकते हैं। ओजोन लेयर वो लेयर जो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को सीधे आने से रोकती है और उसको अवशोषित करके पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। ओजोन लेयर का जो क्षेत्र है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ओजोन लेयर के ह्रास का पता 1930 में चला था और सर्वप्रथम जैसे ये पता चला कि CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन लेयर का ह्रास हो रहा है, तब से ओजोन लेयर को बचाने के लिए कई बार CFC पे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में 20 किलोमीटर की विड्थ की ओजोन परत होती है जो 15 से 40 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 15 से 40 किलोमीटर है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को ये सीधे अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी पृथ्वी तक उसको सीधे आने से रोकती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट वेव्स पृथ्वी तक सीधे आ जाए तो कई उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं और मानव जाति या संपूर्ण जीव जगत पर संकट छा सकता है। इसलिए ओजोन लेयर एक छतरी का कार्य करती है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है O3। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है इसका फॉर्मूला O3 है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ओजोन लेयर के बाद हम चलते हैं वायुमंडल के संगठन पर। वायुमंडल के अगर हम संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 78% होता है नाइट्रोजन का वायुमंडल में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद ऑर्गन का हमारा जो परसेंट है वो 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाई जाती है और इसके अलावा ट्रेस अमाउंट ऑफ नॉन हीलियम मेथनॉल क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर, इन सभी को मिला के बाकी का परसेंटेज कंप्लीट होता है। तो हमारे वायुमंडल
के संगठन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से दो ही गैसों से हमारा वायुमंडल का निर्माण होता है, और उसमें है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का जो क्षेत्र है वो 21% है और नाइट्रोजन का क्षेत्र है वो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो वायुमंडल पर था। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अपने इस वीडियोस को और अधिक अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।